भैया भैया। अरे अरे कृष्णा। भैया भैया आप कहाँ गायब हो गए थे भैया? आपके बगैर घर भी कितना उदास लग रहा था। अगली बार हमें छोड़ के मत जाना भैया। उस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम जाओ। दामाद जी, कृष्णा वहाँ क्यों गया? हमने जो इस घर के नियम बनाए हैं, क्या आप उससे वाकिफ नहीं है? कृष्णा इसी वक्त यहाँ आओ। अभी तुम जाओ। कुछ भी हो, ये शेर आप ही के खानदान का है, अपने ही खून से इतनी नफरत क्यों कर रही हैं माँ जी? मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे सलामत दीजिए। वो किस राह पर चल रहा है पहले वो देखिए। बंदूकों से खेलना इसके लिए आम बात है। उसके पिता इस रंजिश में मारे गए, लेकिन ये नहीं बदला। जब तक ये पूरे परिवार की लाशें नहीं बिछा देगा, तब तक इसे चैन नहीं पड़ेगा। कोई जिए मरे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए ना हमारे परिवार में और ना ही हमारे दिल में कोई जगह है। उसने कुछ नहीं खोया है, खोया मैंने है। हर पल डर लगता है, कोई भी दुश्मन हमारे घर के दरवाजे पर आकर दस्तक ना दे दे। आज मैं सबके सामने एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ। अगर आज के बाद इसकी वजह से मेरे परिवार पर आंच आई, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बड़े मालिक, ये आपके अपने बड़े हैं। राघव जी। बोलिए मालिक। आपने खाना खाया? नहीं खाया मालिक। देर हो गई है, खाना खा लीजिए। और मालिक आप? मेरे साथ आइए। दीर्घायुष्मान भव। ये सब क्या है? आप भूल गए आज आपका जन्मदिन है। बाकी सभी ने खाना खा लिया? पता नहीं ये दिन दोबारा आएगा या नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? दो बार मौत आकर मुझे छू कर चली गई, तीसरी बार पता नहीं अंजाम क्या होगा। खुशियां कभी कायम नहीं रहती।
माना कि खुशियां दो पल के लिए रहती हैं, लेकिन उन्हीं दो पल में दो सदियों की जिंदगी जीनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखिए आज आपका जन्मदिन है, ऐसे उदास मत रहिए, be happy। मालिक, मिनिस्टर साहब आपसे मिलने आए हैं और एमपी साहब भी आपसे मिलना चाहते हैं, बुला लूं उन्हें? मैं वहां खुद जाऊंगा। लो वो आ गया, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, आप अंदर जाइए, अंदर जाइए ना, जाइए। हे शुरू जाओ चलो चलो। जनता तो चिल्लाती रहेगी, वो क्या है ना कि जनता अपनी खुशी का इजहार कुछ इसी तरह से चिल्ला चिल्ला के करती है। वैसे आपसे बात करने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर साहब आए हुए हैं, अगर आपके साथ उनकी डील पक्की हो गई तो समझो चांदी ही चांदी। तुम्हारी पोस्ट क्या है? एमपी। एमपी की ड्यूटी क्या होती है? जनता की सेवा। तो फिर दल्ले क्यों बने हुए हो? ये तो मार रहे हैं। वो मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे, उनकी हरकतें ऐसी हैं कि मार खानी ही पड़ेगी। सुना है आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या बात थी बताइए। तुमने एमपी पे हाथ क्यों उठाया, उन्हें क्या अपने घर का नौकर समझ रखा है? His leader. बिन पैंदे के लोटे। पॉइंट पर आ। तुम्हारी मदद की जरूरत है हमें। ना लूंगा ना दूंगा। नेक्स्ट। मुझे ऐसा लगता है कि तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। उतना वक्त नहीं है मेरे पास और तुम्हें जानना मेरे लिए जरूरी नहीं है। नेक्स्ट। रिस्क उठाने से डरते हो क्या? डरता हूँ, और मैं बचपन से ही अपना रास्ता खुद तय करता आया हूँ। एक बार मैं ट्रेन को रोकने के लिए उसके सामने दौड़ पड़ा, ट्रेन तेजी से आ रही थी, उसमें भारी भीड़ थी, 10 इंच की दूरी पर आकर ट्रेन रुक गई। इसे तुम क्या कहोगे? रिस्क और क्या? यही हादसा मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। एक बार तुम ट्रेन को रोकने के लिए उसके सामने दौड़ पड़े, ट्रेन तेजी से आ रही थी, ट्रेन में भारी भीड़ थी, 10 इंच की दूरी पर आकर वो रुक गई। इसे तुम क्या कहोगे? रिस्क कहूंगा और क्या? जो ट्रेन तुम्हारे सामने ही, वो कौन है जानते हो? मैं हूँ। अपनी तकलीफ लेकर जो आता है उसे मैं सीने से लगाता हूँ, अपने स्वार्थ लेकर आता है उसे मैं अपनी जूते की नोक पर रखता हूँ। मेरी पावर क्या ये जाने बिना तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? पावर तेरा? तू तो बिना एड्रेस बिना स्टैम्प का एक खाली लिफाफा है, और मैं तलवार की नोक पर राज करने वाला पावर हूँ। तू है लॉटरी, मैं हूँ हिस्ट्री। तुम्हारी हिस्ट्री मेरी हिस्ट्री के आगे दो कौड़ी की भी नहीं है। अगर मैंने एक स्विच भी दबा दिया ना, हवा के झोंके की तरह उड़ जाओगे। अपने दिल की तसल्ली के लिए जरा अपने उस फैन का स्विच ऑन करके देख ले। तो मुझे गायब करने की बात कर रहा है, मेरा बाल तक नहीं हिलेगा, लेकिन अगर मैंने तहाड़ लगाई तो तेरा नामो निशान मिट जाएगा। मुझ में ईश्वर की दी हुई शक्ति और लोगों का विश्वास है जो मेरे लिए जान तक देने को तैयार है। आजमा के देख, मेरे एक इशारे पर तेरे ही पालतू सड़क पर तेरा मजाक उड़ाएंगे, हिस्ट्री रिपीट होती रहेगी। आई टेक इट एज ए चैलेंज। उसी राज्य में जिस राज्य में मैं अभी हूँ, उसी कुर्सी पर बैठकर जिस कुर्सी पर अभी बैठा हूँ, जितेंद्र को तुम्हारी जगह बिठा कर ही दम लूंगा। पूरी ताकत लगा दे, असेंबली के गेट तक नहीं पहुंच पाएगा। तू बीपी का मरीज है, ज्यादा चिल्ला मत, हार्ट फेल हो जाएगा। मेरा बीपी हाई होगा तो कुछ भी सलामत नहीं रहेगा। क्या बात है इस वक्त तुम यहाँ? मुझे नींद नहीं आ रही है। आप मेरे साथ बीच पर घूमने चलेंगे क्या? इस वक्त जाएंगे? यही तो सही वक्त है बीच पर घूमने का। प्लीज मान जाइए ना, इनकार मत कीजिए। प्लीज 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 प्लीज। अरे अरे, अभी रात हो गई है। रात तो भी जवान है। लेकिन ये कोई टाइम है? इतनी रात को बड़े मालिक कहाँ जा रहे हैं? रोमांस करने, तुम सो जाओ।
अब उस तरफ कैसे जाएंगे? जंप जंप, चलो मुझे उठाओ। ऐसा लगता है तुम मुझे प्रॉब्लम में डाल दोगी। यकीन नहीं हो रहा कि प्रॉब्लम से आप घबरा रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आज की रात हम ऐसे बिताएं कि जिंदगी भर ना भूलें।